आकाश भाई के स्वर के बाद में मैं उन कवि को, ऐसे कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। देखिए, उनका नाम होता है श्याम सुंदर भारती जी। हमारे यहाँ पे जो सुंदर की कल्पना श्याम से की गई है, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, तो श्याम इसलिए क्योंकि सृजन का बीज है वो अंधेरे में ही फूटता है। बीज अंधेरे में फूटता है तब वृक्ष बनता है मित्रों। तो जो श्याम सुंदर जी भारती साहब हमारे बीच में हैं, जो तीनों भाषाओं में, राजस्थानी, हिंदी, उर्दू, तीनों भाषाओं में समानांतर जिनका लेखन है, कई अकादमियों के महत्वपूर्ण पदों पर आपने काम किया, कई पत्रिकाओं का संपादन किया, पुरस्कार मैं इसलिए नहीं लेता कि पुरस्कार उनके लिए छोटे पड़ते हैं अभी मित्रों, जिनसे बहुत सारी पीढ़ियाँ, जिन्होंने कविता का ककरा जिनसे सीखे, ऐसे भारती साहब को मैं बहुत, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनका स्नेह और सानिध्य हमें सदैव मिलता रहा, मैं भारती साहब को बहुत आदर और सम्मान के साथ ये माइक्रोफोन सौंपता हूँ कि वो पधारें और अपनी कविताओं से हमें नवाजें। बिना किसी भूमिका, बिना किसी तमहीद के गजल के कुछ शेर पेश करता हूँ। स्वागत है सर। कि सोच कर सोचो, सोच कर सोचो हमारे बाद क्या रह जाएगा। सोच कर सोचो, सोच कर सोचो हमारे बाद, हमारे बाद क्या रह जाएगा। चंद अफसानों में बस जिक्र वफा रह जाएगा। सोच कर सोचो हमारे बाद क्या, हमारे बाद क्या रह जाएगा। चंद अफसानों में बस जिक्र वफा रह जाएगा। और देखिए प्रैक्टिकल शेर के, कूदने वाले से दरिया पार की उम्मीद है। सोच कर सोचो हमारे बाद क्या रह जाएगा। चंद अफसानों में बस जिक्र वफा रह जाएगा। कूदने वाले से दरिया पार की उम्मीद है, सोचने वाला वहीं पर सोचता रह जाएगा। कूदने वाला से दरिया पार की उम्मीद है, सोचने वाला वहीं पर सोचता रह जाएगा। और एक एक शेर जो मेरे लिहाज, उम्र के लिहाज से नहीं लेकिन पुराना शेर है, कि मैंने जब चुपके से, जो जवान नौजवान उनके लिए, हाँ, कि मैंने जब चुपके से रखा था तो ये सोचा न था। मैंने जब चुपके से रखा था तो ये सोचा न था कि मेरा खत उसकी किताबों में दबा रह जाएगा। मैंने मैंने जब चुपके से रखा था तो ये सोचा न था मेरा खत उसकी किताबों में। और एक शेर देखिए, बिल्कुल आज की हकीकत, कि ऐसे भी दिन आएंगे हमने कभी सोचा न था। अच्छा। ऐसे भी दिन आएंगे हमने कभी सोचा न था, सिर्फ मोबाइल से अपना वास्ता रह जाएगा। ऐसे भी दिन आएंगे हमने कभी सोचा न था, सिर्फ मोबाइल से अपना वास्ता रह जाएगा। और एक शेर देखिए, अगर आप तक पहुँचे तो, कि इतना भी ये आदमी तू खुद से बाहर मत निकल। ध्यान देना आप दोस्तों, इतना भी ये आदमी तू खुद से बाहर मत निकल, वरना तुझ में आके कोई दूसरा रह जाएगा। इतना भी ये आदमी तू खुद से बाहर मत निकल, वरना तुझ में आके कोई दूसरा रह जाएगा। और जो जुगाड़ू है यहाँ हो जाएगा वो नामवर। जो जुगाड़ू है यहाँ हो जाएगा वो नामवर, असल जो फनकार है वो बेपता रह जाएगा। असल जो फनकार है वो बेपता रह जाएगा। और जिस शेर के लिए मैंने पूरी गजल कही है, ये शेर देखिए, कि गर यही हालत रही तो एक दिन तुम देखना। गर यही हालत रही, गर यही हालत रही, गर यही हालत रही तो एक दिन तुम देखना, एक दिन तुम देखना आदमी इंसानियत को ढूंढता रह जाएगा। अगर यही हालत रही तो एक दिन तुम देखना आदमी इंसानियत को ढूंढता रह जाएगा। ये गजल के कुछ शेर और। जरबात कहते हैं चोट को, आघात को, जरबात यानी चोट आघात। मतलब देखिए कि न पूछो वक्त की जरबात से क्या टूट जाता है, समय के आघात से। न पूछो वक्त के आघात से क्या टूट जाता है, बुरे जब एक होते हैं तो अच्छा टूट जाता है।
पूरे जब एक होते हैं तो वाह वाह न पूछो वक्त की जरबात से क्या टूट जाता है। इलेक्शन के वक्त में मौजूद है ये शेर। हां मौजूद। बुरे जब एक होते हैं तो अच्छा टूट जाता है। और ये भी देखिए अकेला कोई पड़ जाता है जब सच की लड़ाई में। अकेला कोई पड़ जाता है जब सच की लड़ाई में, चाहे कितना भी पक्का हो इरादा टूट जाता। अकेला कोई पड़ जाता है जब सच की लड़ाई में, चाहे कितना भी पक्का हो इरादा टूट जाता है। और सहन कहते हैं घर के आंगन को, कि सहन में उठ रही दीवार का बस एक मतलब, सिर्फ इतना मतलब है। सहन में उठ रही दीवार का बस एक ही मतलब, एक ही मतलब, उधड़ने लगते हैं रेशे तो रस्सा टूट जाता है। उधड़ने लगते हैं रेशे तो रस्सा टूट जाता है। लगते हैं रेशे तो रस्सा टूट जाता है। वाह। और देखिए एक बड़ों को देख करके सीखना बच्चे की है आदत। बड़ों को देख करके सीखना बच्चे की है आदत। बड़ों के देख कर किरदार बच्चा टूट जाता है। और एक शेर के, बगावत बाप से करता है बेटा उम्र भर बेशक। बगावत बाप से करता है बेटा उम्र भर बेशक, मगर जब बाप मरता है तो बेटा टूट जाता है। बगावत बाप से करता है बेटा उम्र भर बेशक, मगर जब बाप मरता है तो बेटा टूट जाता है। और आपने आसमान में तारा टूटता देखा होगा, उसके सिंबल लेकर के मैंने एक शेर कहा है कि गुरूरे बेवजह मत नाज कर अपनी बुलंदी पर। गुरूरे बेवजह, गुरूर घमंड, गुरूरे बेवजह मत नाज कर, मत नाज कर, मत नाज कर अपनी बुलंदी पर, फलक पे रह के भी आखिर सितारा टूट जाता है। क्या बात है। गुरूरे बेवजह मत नाज कर अपनी बुलंदी पर, फलक पे रह के भी आखिर सितारा टूट जाता है। और बहुत हम नाज करते हैं, बहुत इसको सजाते हैं, बहुत हम नाज करते हैं, बहुत इसको सजाते हैं, मगर आखिर ये माटी का खिलौना टूट जाता है। और आखिरी शेर है, हमारी जिंदगी का फलसफा अगर है तो इतना है। हमारी जिंदगी का फलसफा बस इतना, हमारी जिंदगी का फलसफा अगर है तो बस इतना कि जैसे पेड़ की डाली से पत्ता टूट जाता है। जिक्र दुनिया का क्या करूं आजाद, दिल में है दर्द लब पे नाला है, नेक इंसान की कुछ नहीं कीमत, आज चमचों का बोल बाला। खुदकुशी के मेरे इरादे पर मुझसे तू क्यों लिपट के रोती है। खुदकुशी के मेरे इरादे पर मुझसे तू क्यों लिपट के रोती है। मेरे हिंदुस्तान में इंसान की बात मरने के कदर होती है। मेरे हिंदुस्तान में मरने के बाद कोई इनाम पा लिया होता, कोई इनाम पा लिया होता, कोई ओहदा बना लिया होता, हम भी दरबार में पहुंच जाते, हमने जो सर झुका लिया। अरे बहुत अच्छा।